नमस्कार साथियों, यूजीसी की एक नई फरमान। यूजीसी ने रद्द आवेदन को सुधारने का मौका दिया। ये अमर उजाला में आज 15 अगस्त 2018 को प्रकाशित हुआ है। साथ ही साथ अभी जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी कल एक पत्र जारी किया गया है, उसकी कॉपी भी हम आपको जो है अटैच करेंगे। देश भर में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की पढ़ाई करवाने वाले 35 विश्वविद्यालयों को खुशी की खबर है। साथ ही साथ इन 35 विश्वविद्यालयों में जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत अपना एजुकेशन कंप्लीट करने जा रहे थे, उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रद्द प्रोग्राम के आवेदन की कमियों में सुधार कर सकेंगे। दोस्तों, आपका लाइक, कमेंट्स, शेयर तथा सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। हमने 12 मई 2018 को लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स नाम का ये वीडियो चैनल हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हायर एजुकेशन से संबंधित सभी जानकारी आप तक वीडियो बनाकर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अतः हमारे वीडियो को अंत तक देखें, अंत में अपने दोस्तों को शेयर करें तथा आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। विश्वविद्यालय अब जो भी कमियां थीं उस कमियों को दूर करने का एक अवसर दिया हुआ है, क्योंकि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने विश्वविद्यालय को विभिन्न डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई को दोबारा आवेदन करने का मौका दिया है। विश्वविद्यालय को एक महीना में रद्द आवेदन की कमियों में सुधार करना होगा। यूजीसी सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन का मुताबिक, विश्वविद्यालय और छात्र ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पर जानकारी मांग रहे थे। यूजीसी ने पहली सूची में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई की सूची जारी की है। जिन विश्वविद्यालयों में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की पढ़ाई करवाने में कमियां थी उनके आवेदन को रोक दिया गया था। ऐसे 35 यूनिवर्सिटी थे जिन्होंने यूजीसी के नाम्स के हिसाब से वो संचालित नहीं हो रहा था। वो जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चल रहा था वो यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार से नहीं था, जिसके वजह से इनकी मान्यता को रद्द कर दी गई थी, जिससे छात्रों को बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे विश्वविद्यालय को एक महीने में उन कमियों को दूर करना अनिवार्य है। यदि विश्वविद्यालय ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो फिर इस सत्र उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यानी 2018-19 में उनकी जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है उनको जो है रद्द कर दिया जाएगा, जिससे छात्रों को अत्यधिक नुकसान होने की संभावना है। यूजीसी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन 2017 के नियमों के तहत ही डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ाई का मौका देगी। इसका मकसद गुणवत्ता में सुधार करना है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की एक अन्य सूची अगले हफ्ते तक जारी होने की संभावना है। यहाँ पर ज्ञात हो कि पहली बार ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के तहत अब प्रोफेशनल प्रोग्राम की पढ़ाई की अनुमति विश्वविद्यालय को यूजीसी के साथ साथ AICTE और NCTE से भी लेनी होगी। इसके अलावा 30 अक्टूबर तक सभी विश्वविद्यालयों में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में दाखिले की विंडो बंद हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपको एक खबर दे रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए एडमिशन प्रारंभ कर दी है। उनको भी जो है यूजीसी द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था उनके प्रोग्राम को 2017 के गाइडलाइन के अनुसार से, उनका जो लर्निंग प्रोग्राम था वो उसी के मुताबिक नहीं था, जिसके कारण से दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर भी जो है रोक लगी थी, जो अभी हाल ही में उनकी रोक को हटाई गई है, जिसके कारण से BA, BSc, BCom, MA, MSc की जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के एडमिशन प्रारंभ हो चुकी है।
हम आपको ये चीज़ बता देना चाहते हैं, यदि किसी विश्वविद्यालय में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भली भांति समझ लें, देख लें और उसके बाद ही वहाँ पर एडमिशन लें, लोभ प्रलोभन में न आएँ। बहुत सारे प्राइवेट विश्वविद्यालय के द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम आयोजित है। चूँकि 2017 के गाइडलाइन के अनुसार ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम वही विश्वविद्यालय संचालित कर सकेगी जो ए प्लस ग्रेड की यूनिवर्सिटी, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे चीज़ें लागू हो सकता है, इसके लिए भी ए प्लस ग्रेड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ए प्लस यूनिवर्सिटी है, JNU जो है, BHU जो है, इस तरह के बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जो ए प्लस ग्रेड के यूनिवर्सिटी हैं, जिनकी ग्रेडिंग सिस्टम है वो 3.5 से अबव है, 3.5 से अबव है। और यदि 3.5 ग्रेडिंग सिस्टम से ऊपर है तो वही यूनिवर्सिटी, वही विश्वविद्यालय ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम संचालित कर सकेगा। इसके अलावा ए प्लस ग्रेड यूनिवर्सिटी को भी यहाँ पर केवल पहले क्या होता था, UGC से मान्यता लेना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लर्निंग रेगुलेशन 2017 के अनुसार अब उन्हें जो है प्रोफेशनल प्रोग्राम की पढ़ाई की अनुमति के लिए, उन्हें प्रोफेशनल प्रोग्राम जैसे BEd का या फिजिकल एजुकेशन का या कोई मेडिकल के किसी प्रोग्राम आयोजित करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री देना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें जो है UGC के अलावा AICTE, NCTE और भी जो अन्य चीज़ें जो बोर्ड बनी हुई है उसमें अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है। यदि उनके पास में ये अनुमति नहीं है तो कोई भी एक भी लर्निंग प्रोग्राम आयोजित नहीं कर सकता और ऐसे डिग्री की कोई मान्यता नहीं होगी। इसलिए आपको संभल कर एडमिशन लेने की ज़रूरत है। कल मुझे एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में मुझे PhD कर लेना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि 2016 के जो UGC रेगुलेशन है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी इनको जो है इस प्रोग्राम को संचालित कर रही है, क्या उनको ऑथेंटिक पावर है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट विश्वविद्यालय ए प्लस ग्रेड में नहीं आते हैं, 3.5 ग्रेडिंग सिस्टम में उनका नाम नहीं है। इसलिए ऐसे डिग्री की मान्यता जो है नहीं मिल सकती। आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि रेगुलर कोर्स करें, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट के रूप में हो, प्राइवेट एग्ज़ाम दें या रेगुलर बेस पर एडमिशन लेकर उस कोर्स को करें, लेकिन विश्वविद्यालय की मान्यता है या नहीं, उस संस्था की मान्यता है या नहीं, साथ ही साथ जिस शहर में है उस राज्य की मान्यता है या नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने के बाद ही आप अपना पैसा, समय और सबसे मेन चीज़ें जो होती है आपकी सपना, वो जब आपके सपने तो बनाए प्रोफेसर बनने का, लेकिन आपकी सपना जब टोटल समाप्त हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, जब आपको पता चलेगा कि मेरी जो डिग्री है वो फर्जी डिग्री है और जहां आप नौकरी के लिए जा रहे हैं वो 2 सेकंड में जो है आपको इंटरव्यू में जो कॉल करने की लिस्ट में ही आपका नाम नहीं आ रहा है और कैंसिल कर दे रहा है, तब आप दुखी होंगे, आपका पैसा भी गया, समय भी गया, साथ ही साथ अपना सपना भी टूट जाएगा। तो ऐसा कोई काम न करें जिससे आपको जो है तकलीफ़ हो और ये भी हो कि आपकी सपना टूटे, ऐसे काम नहीं किया जाना है। थैंक यू।